रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान इकरा साइंस एकेडमी के पेज से। आज हम डिस्कस करेंगे एसईओ के मुतालिक। एसईओ में हम ऑन पेज एसईओ के मुतालिक बताऊंगा मैं आपको कि ऑन पेज एसईओ में आपने कौन कौन से पॉइंट को चेकलिस्ट करना है और किन किन वजूहत की बिना पर आपकी जो है वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखेंगे आपकी वेबसाइट विद इन अ डेज रैंक करना शुरू कर देगी। तो ऑन पेज एसईओ में सबसे पहले आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर में आपको मैं पहली बार बताता चलूं कि आपने 60 कैरेक्टर से ऊपर यूआरएल नहीं रखना। अगर आपका यूआरएल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है उसको ठीक करें, ये आपका रैंकिंग का फर्स्ट फैक्टर बनेगा। अगर क्योंकि वो जो है होते हैं जिसमें आप एक स्पेसिफिक लोकेशन के साथ उसको डिफाइनिंग कर पा रहे थे यूआरएल को, उसके इसका ये मसला आता है कि इन फ्यूचर वो आपके साथ जो है गूगल को क्रॉल करने में मसला आ रहा है। तो आपने स्पेसिफिक वर्ड के साथ आपने यूआरएल को सेट करें। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि ब्राइड एंड ड्रेस के नाम से अगर हम कोई वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं तो ब्राइड एंड ड्रेस का जब मेहंदी का ड्रेस आए तो जो ही वो मेहंदी पर क्लिक करे तो यूआरएल में आपका एक्चुअल यूआरएल प्लस उसके साथ अंडरस्कोर के साथ मेहंदी ड्रेस का वर्ड आ जाए। इसी तरह जो आप प्रॉपर्टी से हैं तो अगर डीजे प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं तो अंडरस्कोर डीजे प्रॉपर्टी आ जाए, अंडरस्कोर फेज 8 आ जाए, अंडरस्कोर फेज 9 आ जाए। इसी तरह ये एक यूआरएल स्ट्रक्चर की तामीराती सिस्टम है जिसमें आप एक पूरे सिस्टम को डेवलप करते हैं। आप 1, 2, 3 और ये इस तरह के लंबे लंबे यूआरएल से जो कि आपको उसमें मिलते हैं डेवलपर एंड से उसको ठीक करना। उसके बाद हम चले जाएंगे इमेज के बाद, इमेज के ऊपर, क्योंकि आपकी वेबसाइट को बेहतरीन शक्ल देने के लिए आपको इमेज लगाने पड़ते हैं, उसकी जो है अट्रैक्टिव व्यू बनाने के लिए आपको इमेज लगाने पड़ते हैं। तो इमेज का जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि उसका ऑल टेक्स्ट ठीक लगना चाहिए। कोड में जाके ऑल टेक्स्ट ठीक करें, उसकी इमेज की जो है साइज को ठीक करें। इमेज का साइज जो 70 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर 70 KB से ऊपर है तो आपकी पेज स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे हम नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इमेज को ऑप्टिमाइज कितना करना चाहिए, कितने साइज का इमेज हो, यानी कि 1x100x100 का, तो उसका कितने पिक्सल होने चाहिए, 10,000 पिक्सल होने चाहिए, और साथ में मैं आपको बताऊंगा उसका साइज भी। अभी जो हम सिंपल डिस्कस कर रहे हैं कि उसको ऑल टेक्स्ट आप ठीक कर लें, ऑल टेक्स्ट ठीक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये आपका पेज की जो है जब आपका गूगल बॉट आता है क्रॉल पर तो वो आपके ऑल टेक्स्ट को पढ़ेगा। आप इमेज को जब सेव करें तो पीएनजी फॉर्म में कर लें। पीएनजी फॉर्म में करेंगे तो उसकी जो है उसकी लुक भी बेटर आती है और उसके साथ जो है उसकी स्पीड पे भी इशू नहीं आ रहा होता साइड में। उसके बाद टाइटल के ऊपर आ जाते हैं। आपने जो पेज का टाइटल लिख रहे हैं और टाइटल जो है 60-65 कैरेक्टर का लिखे हैं और पेज में टाइटल के दौरान जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कीवर्ड की वीडियो में टाइटल लिखने का तरीका बताया था कि आप टाइटल कैसे लिखेंगे वो भी एक दफा देख लें, लेकिन ओवरव्यू मैं बता दूंगा। ये इस तरह लिखें कि आपका जो मेन कीवर्ड है फोकस कीवर्ड है जो सबसे बड़ा कीवर्ड है जिसको आप चाहते हैं आपकी जिस वेबसाइट रैंक करें उस कीवर्ड को सबसे पहले लिखें, फिर उसके बाद सेकंड कीवर्ड सेकेंडरी कीवर्ड आ जाता है, फिर आप जो है उसके बाद नेक्स्ट जो है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज कर लेते हैं, सिनोनिम्स के तौर पे जो कीवर्ड्स आ रहे हैं। इसके बाद आप मेटा टाइटल के बाद मेटा डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रही थी, वो भी 160 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होते लिखनी। ये ऑन पेज चेकलिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ओजी टाइटल। ओजी टाइटल बेसिकली वो चीज होती है जो कि आपके फेसबुक पे और जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो आपका टाइटल के तौर पे चीज शो होनी होती है उसको ओजी टाइटल के तौर पे देखते हैं, उसको आप इंडल्ज कर रहे हैं। और इसी तरह ओजी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन जो कि आपकी फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी डिस्क्राइब कर रही होती है प्रोडक्ट को, उसको ओजी डिस्क्रिप्शन कहते हैं, वो आप उसको हेडर में लिखवाएं। पेज स्पीड पे आ जाते हैं। आप पेज स्पीड में मिनीफाइड जीएस और उसकी एसक्यूएल जो है उसकी क्यूरीज को चेक कर लें, मिनीफाइड होनी चाहिए और कोड जो है उसका मिनीफाइड होना चाहिए। और इसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा कि अननेसेसरी रीडायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। अननेसेसरी रीडायरेक्ट का मतलब है आपकी हर चीज रीडायरेक्ट होके होम पेज पे ना जा रही हो, हर चीज रीडायरेक्ट होके आपकी एक ही पेज पर ना जा रही हो। आपने अननेसेसरी रीडायरेक्ट से बचाना है अपनी साइट को। पेज स्पीड के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि रीडायरेक्ट होने की वजह से भी पेज स्पीड स्लो बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे चले जाते हैं कंप्रेस ऑल इमेजेस। इमेजेस के बारे में बताया कि आपने 70 KB से ऊपर नहीं रखने, इसलिए उसका जो है कंप्रेस करके रखें, कंप्रेस करके लगाएं। कुछ इमेजेस बड़े होते हैं 800x800 के, वो 2500 KB तक भी चलते हैं और उसके अलावा डिफरेंट है, लेकिन ये अभी मैं एक स्टैंडर्ड के मुताबिक बात कर रहा हूँ तो इस पे कोई दो राय नहीं है। आप अपनी मर्जी उसको चेंज करते हैं क्योंकि इमेज का साइज चेंज होता जा रहा होता है, तो उसके हिसाब से उसके पिक्सल्स का ये साइज चेंज हो रहा होता है और उसका अपना केबीज का साइज भी चेंज हो रहा होता है।
अब सर्वर रिस्पांस होता है जहां से आपने डोमेन होस्टिंग परचेज की है उसका सर्वर का रिस्पांस कैसे है, आप उसका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, जितना मैक्सिमम उसका रिस्पांस होगा आपकी साइट उतनी ही रैंक करेगी। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल लिंक्स के बारे में, एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में। गूगल में इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स से पहले मैं बता दूं कि कंटेंट लिखा होता है साइट में, तो कंटेंट ही एक तब्दील बनाते हैं। जो कंटेंट यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर उसको लाने के लिए आप जैसे एक ब्लॉग लिखा आपने किसी भी ऊपर, फैशन डिजाइनिंग के ऊपर एक ब्लॉग लिख लिया, जैसे आपने ब्लॉग लिखा तो उसमें आपने इंटरनल लिंक के तौर पर एक पेज को यूज किया जिसमें फैशन डिजाइनिंग में आप कहते हैं मेहंदी ड्रेस, तो मेहंदी ड्रेस जैसे वर्ड आएगा उसके नीचे आप इंटरनल लिंक लगाते हैं, जैसे वो बंदा उस पर क्लिक करता है तो रीडायरेक्ट होकर आपके मेहंदी ड्रेस वाले पेज पर आ जाता है। इसी तरह अगर मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर ब्लॉग लिखता हूँ तो वहां पर अपने ही ब्लॉग में जब मैं उसको इंटरनल लिंक देता हूँ कि यहाँ से क्लिक करके आपके अपने ही पेज पर वो वापस रीडायरेक्ट हो किसी और पेज, अपनी ही वेबसाइट में, तो ये इंटरनल लिंक्स आते हैं। फिर एक्सटर्नल लिंक्स आते हैं कि आप दूसरी साइट्स पे जाके अपना जब लिंक को इंसर्ट करवाते हैं वहां से क्लिक करके वापस आपकी वेबसाइट पे कोई आता है तो वो एक्सटर्नल लिंक्स कहलाते हैं। और ये दोनों ही बड़े अहमियत के हामिल हैं, और अगर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स ठीक लगे हैं तो आपकी वेबसाइट जरूर रैंक करेगी। इसके बाद चले जाते हैं कंटेंट पर। आपने जो वेबसाइट पे कंटेंट लिखा है उसमें आप हेडिंग्स बनाते हैं H1, H2 और H3 एंड सो ऑन, जितना भी आपने कंटेंट लिखा होता है उसके ऊपर। तो H1 में के बारे में बता दूं, H1 में आपने अपना जो है मेन कीवर्ड को रखना है, उसके बाद H2 में आप अपना प्राइमरी कीवर्ड रख लें, उसके बाद H3 में आप सेकेंडरी कीवर्ड रख लें। इस तरह आपने कीवर्ड्स को तरतीब देखिए अपने जो है H1, H2 और H3 को मैनेज करें। ये थी आज की चेकलिस्ट ऑन पेज SEO के मुताबिक। अगर ऑन पेज SEO में आपको किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में मजीद गाइड करूंगा। आपका होस्ट मोहम्मद इरफान, अल्लाह हाफिज़।